तो इस मिक्स वेजिटेबल पुलाव को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव मैंने कैसे बनाया होगा? अब आप कहेंगे कि सब्जियों को काट लिया होगा और चावलों में डालकर पुलाव बना लिया होगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ये पुलाव मैंने बनाया है बची हुई मिक्स वेजिटेबल से। आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे कि बनी हुई सब्जी से भी आप किस तरह से टेस्टी पुलाव बना सकते हैं आज के मुश्किल टाइम में, जबकि बाहर लॉकडाउन है और सब बंद है, तो बचे हुए खाने को फेंकने का मतलब ही नहीं बनता। तो मिक्स वेजिटेबल अगर आपकी बच जाती है तो उसका पुलाव आप किस तरह से बना सकते हैं, यही रेसिपी देने वाली हूँ आज मैं। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज पुलाव। तो अब आप कहेंगे कि पूनम ने मिक्स वेज पुलाव बनाने के लिए सब्जियाँ तो ली ही नहीं, क्योंकि आज मैं जो मिक्स पुलाव बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी मिक्स वेज सब्जी से। ये मिक्स वेज सब्जी मैंने सुबह बनाई थी जो कि बच गई थी, तो इसी से ही मैं वेज पुलाव बनाऊँगी। ज़्यादातर मिक्स वेज सब्जी बच जाती है तो हम लोग सैंडविच वगैरह बना लेते हैं, तो मैं इस बची हुई मिक्स वेज सब्जी से पुलाव बनाने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है, वही रेसिपी आज मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आपकी भी सब्जी बच जाती है मिक्स सब्जी, तो इस तरह से पुलाव ज़रूर बनाइए और आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी मिक्स वेज सब्जी है, इसके लिए मैंने आधा गिलास चावल ले लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जी है तो ज़्यादा चावल ले लीजिए, क्योंकि चावल को मैं भिगोऊंगी भी 10-15 मिनट, तो उससे भी चावल थोड़े से बढ़ जाते हैं। इस बची हुई सब्जी के हिसाब से ही मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। थोड़ा सा ही सामान डलेगा इसमें, क्योंकि सब्जियों में पहले से ही सारा सामान डला हुआ है। तो खड़े मसालों में मैंने एक छोटा चम्मच जीरा ले लिया है, एक मोटी इलायची ले ली है, दो सूखी लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता ले लिया है, चार लहसुन की कलियाँ और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, क्योंकि मैंने सब्जी में प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ अच्छे से डाला हुआ है, तो मुझे ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चावल भी मैं नॉर्मल वाला आधा गिलास ही ले रही हूँ। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चावल को साफ़ करके धो के भिगो देना है। चावलों को जब भी भिगोएं पहले धो लें, बाद में ना धोएं, क्योंकि भिगोने के बाद चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बाद में धोने से चावल टूट जाते हैं। तो धोकर ही इसको 10-15 मिनट तक भिगो लेना है। तो मैं चावलों को धोकर भिगो लेती हूँ। तो चावलों को धो के भिगो दिया है मैंने। अब आगे की रेसिपी देख लेते हैं। इसको रख देते हैं अभी 15 मिनट के लिए। अब लहसुन को बारीक बारीक कट कर लेना है और प्याज को लंबा लंबा काट लेना है। तो लहसुन को बारीक कट कर लिया है मैंने, प्याज को लंबा लंबा काट लिया है। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देना है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें डाल देना है ऑयल। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देना है जीरा। तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काली बड़ी इलायची भी डाल देनी है साथ में। जीरे को चटकने देना है। जीरा हल्का सा चटक चुका है, अब इसमें डाल देने हैं प्याज कटे हुए। प्याज को भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको, बस हल्का हल्का सा ही। पुलाव में तो क्रंची प्याज का अलग ही टेस्ट आता है। इसके साथ ही डाल देना है लहसुन। लहसुन भी साथ ही भून जाएगा प्याज के। एक से दो मिनट लगेंगे बस प्याज और लहसुन को भुनने में। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा हुआ है मैंने। दो मिनट हो गए हैं, प्याज थोड़ा थोड़ा सा क्रंची सा हो गया है। अब इसमें डाल देने हैं मसाले। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये ज़रूर डालें, इसकी अलग ही खुशबू आएगी। अब इसमें डाल देने हैं चावल जो भिगो के रखे थे। पानी मैंने अलग कर दिया है। अब इसमें डाल देना है पानी। जिस गिलास से नाप कर हमने चावल लिए, जिस गिलास से नाप कर मैंने चावल लिए हैं उसी गिलास से नाप कर एक गिलास भर के पानी डाल दूंगी। एक गिलास पानी डाल देना है इसमें। सबको मिक्स कर देना है। अब इसमें डाल देना है एक बड़ा चम्मच वाइट सिरका,
इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पुलाव का। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का जूस डाल लीजिए एक बड़ा चम्मच। अब इसमें डाल देना है इस पुलाव का खास इंग्रेडिएंट्स, और वो है सोया सॉस। एक छोटा चम्मच सोया सॉस डाल देनी है। ये जो आप पुलाव में डालेंगे ना, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी इसकी, और बहुत बढ़िया कलर तो आएगा ही। तो इसको ज़रूर डालें। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है घर में तो बेशक स्किप कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर पुलाव को पकते हुए 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। बॉयल आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। जब भी आप पुलाव बनाएं तो चेक ज़रूर कर लिया करें 5 मिनट के बाद। कभी कभी पानी भी कम लगता है, पानी भी डालना होता है, तो 5 मिनट के बाद भी आप पानी अगर कम है तो डाल सकते हैं पुलाव में। ये पानी है अभी, इसको 5 मिनट के लिए और कवर करके रख देना है। 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट और हो गए हैं, चेक कर लेते हैं कवर उतार के। पानी अभी कम ही है इसमें, पानी और डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें आधा गिलास पानी और डाल रही हूँ। तो इसको हल्के से मिक्स कर देना है, यानी कि आधा गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डाला है। इतना पानी इनफ रहेगा। अब ये चावल का पुलाव जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गए हैं। इसमें डॉट्स आने शुरू हो गए हैं, यही निशानी होती है चावल बनने की। तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ। इसको भी 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने देना है, इसको भी छेड़ेंगे नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे एक राइस प्लेट में। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं पुलाव को ऐसे ही रखे हुए, और इसको थोड़ा सा स्टर कर देना है बस, जिससे कि सब्जियाँ सारे में मिक्स हो जाएँ। पूरा किचन महक रहा है सोया सॉस की खुशबू से, जो कि मैंने इसमें डाली थी। तो पुलाव को मैं निकाल लेती हूँ एक राइस प्लेट में। बची हुई सब्जी का पुलाव बनाने की रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी, बहुत ही टेस्टी ये बनता है पुलाव। हेल्दी तो है ही, तो 6 सब्जियाँ हैं इसमें, तो ये कितनी हेल्दी होगी। बच्चे इसको बहुत ही स्वाद से खाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बना के तैयार कर लिया है मैंने बची हुई मिक्स वेजिटेबल का पुलाव। तो आपके पास भी अगर मिक्स वेजिटेबल बच गई है तो इस तरह से पुलाव को बना लीजिए, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और पुलाव को बनाइए, खाइए, खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।